14 জুলাইত ফ্রান্সত অনুষ্ঠিত হব রাষ্ট্রীয় বেস্টিল দিবস। বেস্টিল দিবসের পেরেডত সংযুক্ত হব ভারতীয় ত্রিবাহিনী। ভারতীয় ত্রিবাহিনীর অংশগ্রহণত উৎফুল্লিত ভারতবাসী ফ্রান্সে উষ্ম আদরণি জানাইছে পাঞ্জাব রেজিমেন্টর জওয়ানসকল। টুইটযোগে এই কথা সদরি করেছে ফ্রান্স দূতাবাসে। অনুষ্ঠানত সম্মানীয় অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। पूरे हम खुशनसीब हैं और हमारे पूर्वजों ने जो यहाँ पे अच्छा काम किया पहले आज से तकरीबन 107 साल पहले यहाँ पे जो उन्होंने अपने बलिदान दिए तो अभी हम यहाँ पे आए हैं तो हमें बहुत फख्र महसूस हो रहा है और इसके लिए हम बहुत प्राउड फील करते हैं। सर कब से आए? अभी आए हुए हमें लगभग 7 से 8 दिन हो गए, तो 5-7 दिन से यहाँ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और लोगों से इंटरेक्शन भी हो रहा है, तो जो लोगों का जोश और हमारे प्रति देखने का नजरिया है वो बहुत ही तगड़ा है और हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे जवानों में वो जोश है। सर जो फ्रेंच ट्रूप से उन लोग से भी दोस्ती हुई कुछ बात? यस यस जरूर, और जितने भी फ्रेंच ट्रूप थे हमारे साथ चाहे हमारे एडम बंदोबस्त के लिए या जहां पे भी लगे हुए थे उन्होंने बहुत हेल्प किया। बहुत पॉजिटिव पर्सन है सभी ने और कुछ हमारे फ्रेंड भी बने और हमें गिफ्ट भी दिए और हम भी उनको गिफ्ट देके जाएंगे, तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही जोश में है। प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री जी के साथ करने वाले? बिल्कुल बिल्कुल साहब, जब हम इस पथ पे आगे बढ़ते हैं हम कदम लेके आगे बढ़ते आए ड्रम, जब यहाँ सारे जहां से अच्छा जब प्ले होता है तो वो जोश एक जज्बा जब आप फीलिंग अंदर ही महसूस कर सकते हो। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।